Bismillahirrahmanirrahim. one

और हमेशा से ये दुआ बड़ी अजीम दुआ कि ट्वेंटी फोर ये दुआ मांगना चाहिए मैं मुसलसल कह रहा ये बात इसलिए कह रहा कि ज्यारत हुसैन भी हो जाए और शफातल हुसैन भी हो जाए ये हमारे जहनों में रहना कि हमारी सारी इबादतों की पूरी जिम्मेदारी हम नहीं हैं हम कुछ नहीं कर सकते इबादतों की कबूलियत हुसैन की शफात कोई सजदा भी हम ये नहीं कर सकते कि मैंने तेरे लिए किया है पता नहीं कितनी मिलावटें थी उसमें इबादतें जितनी कर रहे हैं हम लोगों के लिए भी कर रहे लेकिन छड़ेमाम का इशाद है कि हम अपने चाहने वालों की शफात करेंगे और भरोसा उन्हीं का है सारी इबादतों के लिए और जो हमारी डे टू डे लाइफ है इस लाइफ में भी करम हुसैन हो तो फिर आप इन आराम के साथ सुकून के साथ पीस के साथ रह सकते अगर करम हुसैन ना हो तो कुछ ना आज का दौर बड़ा आसान दौर है इस लिहाज से कि जियारत के लिए बड़ा आराम है इसीलिए मैं बार बार कह रहा यह बात कि वन एवर यू गेट चांस जब भी मौका मिले साल में ज्यारती मासूमिन में चले जाओ कोई एक मासूम की ज्यारत तो करना साल में एक दफा इफ यू कैन एफोर्ड अगर एफोर्ड कर सकते तो जरूर जाना इसलिए कि वहां जाने से एक लाइफ में बदलाव आता जाने से एक जहन बदलता थिंकिंग बदलती फिक्र बदलती सोच बदलती जब आप इमाम से मिल के आते ना तो करम में हुसैन साथ रहता और अगर करम इमाम का हमारे ऊपर ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते अगर मैं सांस ले रहा तो ये फर्जंद जहरा का सदका है ये जहन में रखो इमाम का जुमला है मैं हमारे जमाने के इमाम फ़रज़ंद जहरा अजल ताला शरीफ़ का जुमला है कि हर लमा हम अपने चाहने वालों को देखते रहते हर लमा इमाम ने कहा कि कोई ऐसा लमा नहीं जाता कि मेरे चाहने वालों का हम ख्याल नहीं रखते जब भी कोई मुसीबत आती है हम बचा लेते उनको हमारे जहनों में नहीं है हमारे सामने नहीं है हम पुकार रहे नहीं उस लेकिन उसके बावजूद ये इमाम का करम है जो अपने चाहने वालों के ऊपर पूरा एक मॉनिटर करते कि ये कर रहे क्या और कैसे इनको प्रोटेक्ट करना ना दोस्तों ये दुनिया आपको रेस कर दे बिल्कुल खत्म कर दे दुनिया ये दुनिया मैं बिल्कुल इब्तदाई बातें कर रहा हूं इसलिए कि मोमिन आ रहे तुम तो, अभी मैं टॉपिक पे नहीं आया तो कोशिश ये करो ट्राई ये करो कि इमाम से अपने रिश्ते को मजबूत करो ऑलवेज हमारा बैक ऑफ अवर माइंड यह रहना कि मेरा रिश्ता मेरे इमाम से रिश्ता मजबूत रहे अगर तुम्हारा रिश्ता मजबूत रहेगा तो तुम्हारी औलाद का रिश्ता मजबूत रहेगा अगर औलाद तुम्हारे इस इमाम का साथ दे दे इमाम के साथ हो जाए तो यह सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो हम कर रहे हैं यह पैसा मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है ये बड़े घर मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है तुम्हारी औलाद तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है इंशाल्लाह बोलूंगा इसके ऊपर कि औलाद का प्रोटेक्शन सिर्फ हजा से होता इमाम बार में आने से होता मस्जिदों में जाने से होता बैठ के मासूमीन का जिक्र करने से होता ये जहन से निकाल दें कि मैं नेक हूं मैं इबादत गुजारू मैं मौला का चाहने वाला हूं, तो मेरी औलाद भी ऐसी रहेगी निकाल दो जहन से मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार हूँ सिंह अगर मेरे जहन में यह है कि मैं तो इबादत बात गुजारू मैं तो नेक नेकू मेरी औलाद भी प्रोटेक्टेड रहेगी भाई जनाब नू का बेटा गुमरा हुआ क्या बोल रहा कुरान बोल रहा ना क्या नू ने तरबियत में कोई कोताही की थी वो मासूम ने है उलिल आजम पैगम्बर एक लम्हे के लिए भी नू नहीं कर सकते दु, दुनिया को तबलीग कर रहे कि अपनी औलाद को नहीं करेंगे और सबसे ज्यादा जिंदगी नू को मिली थी पहला उलम पैगंबर है लेकिन उनका बेटा भी गुमराह हुआ गुमराह होने का नतीजा क्या हुआ वो काफिर हो गया जहन्नम में चला गया जब वक्त आया तो बाप की बात नहीं सुनी नबी की बात नहीं सुनी पहाड़ पे चला गया डूब गया खत्म हो गया तो जब नू का बेटा गुमराह हो सकता और आपका मेरा नहीं हो सकता हमेशा ये फिक्र करो अपनी दुआ में ये करो अल्लाहमार सुख नहीं फिर दुनिया से आ हुसैन जब मौका मिले लेके जाओ बताओ ये हुसैन है जिसकी वजह से तुम जिंदा हो वाले मुणा मुणा मुश्किल तरीन जितना आगे आ सकते हैं आप लोग आ जाइए बरबानी ताकि पीछे मुमनिन जब आ रहे हो उनको उसी वक्त जगह मिल जाए दो बीच में मजलिस करने की जरूरत न पड़े बरा मोला मुश्किल खुशा बुलंद तरीन सल कल जहां बात छोड़ी थी मैं वहीं से लेके जाता नजफ है अशरफ लोगों ने कहा मौलाना दो दिन हो गए आप नजफ से निकले ही नहीं मैंने कहा मैं जिंदगी तमाम ना निकलू कोई निकलना चाहता मौला के पास से कोई नहीं निकलना चाहता लेकिन आप घबराए नहीं मैं आपको लेके जाऊंगा काजेमैन सामेरा करबरा मौला मशरद मुकदस जितना लेके जा सकता ये दस दिन की टॉपिक भी नहीं मैंने पहले दिन ही कहा था लेकिन नजफ नजफ है जब जाते हैं नजफ अशरफ तो ऐसे महसूस होता है जैसे आप अपने घर में आने एक बाप की नजर करम जैसी होती है ना वैसे मेरे मौला की नजर करम हर इमाम की लेकिन मौला मौला है और पीछे मेरे मिंबर के बिल्कुल ऊपर नजफ अशरफ की तस्वीर है अल्लाह हमको बार बार ज्यारत नसीब करे ये साइड वाली जो गुम्बद है ना मीनारा है वो पहली मीनार है अगर आप अंदर रो, रोजे में दाखिल होते जेंट्स के लिए इधर ही से जाते हैं ये वाली मीनारा इसके नीचे अल्लाह हिली और यह वो मीनारा है कि जहां पे कई और दूसरे ओलमा भी है मैं उनका जिक्र नहीं कर सकता तो पूरा अशरा खाली नजरफ पर हो जाएगा ये कल पूरा वाक्य आपने हिली का सुना मशहूर वाकया था मैंने कई वाकत छोड़े और ये उनका एक डिबेट पड़ा अब आप ये बताइए उस पूरे वाक्य से नतीजा क्या निकला कंक्लूजन क्या हुआ हमने क्या लिया कंक्लूजन मौला ने जो आज उनको ये ऑनर दिया है ये इज्जत दी कि अपने पहलू में जगह दे दी आप बहुत आसानी से सुन रहे पहलू में जगह दी क्या बोल रहा हूं मैं दोस्तों आसान नहीं है पहलू में मौला के जगह होना पूरी जिंदगी हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मौला के मैं चाहने वाला हूं क्या कोई गारंटी है कि मैं आखिरी लम्हे में भी ईमान के साथ रह के मौला के पास जाऊंगा गारंटी आपने गौर सारे माशाल्लाह जायरीन आपने गौर किया कि नजफ अशरफ में डेड बॉडीज कितनी आती क्यों लगा हुआ रहता लिटरली क्यों रहता अच्छा करबला मौला में भी आती काज में भी सामेरे में भी आती लेकिन जितनी नजफ अश में आती उतनी कहीं नहीं आती मैंने वहां पूछा कि ये सारे के सारे यहीं के मुमिन है जिनकी बॉडीज आ रही तो कहा नहीं मोलाना बॉडी के तो पूरे नहीं है पूरे इराक से हर मरने वाले की ख्वाहिश होती कि लहद में जाने से भले अली को सलाम कर लो क्या सुन रहे क्या सुन रहे क्यों सलाम कर लो इसलिए क्या सलाम जाने से पहले बोला मैं जाने से पहले सलाम कर लो जब नीचे जाएंगे तो मुलाकात इन्हीं से तो होगी कितनी बड़ी बात है अच्छा करते भी क्या क्यों लगी हुई है एक के पीछे एक बॉडी आ रही कुछ नहीं करते लेके जाते मौला की जरिए मुबारक के पास एंटर होते हैं मुड़ जाते हैं। बाहर निकल जाते वो जो लमा है ना हमारे पास मासूमीन के इशादात है कि हर मासूम के रोजे के हुदूद है जिसको इंग्लिश में बाउंड्री बोलेंगे ये हुदूद है हर मासूम के रोजे कासिमईन ले लो जन्नतुल वकीले लो जन्नतुल मौल्ला ले लो सारे मासूमी हुदूद बताए गए करबला मौला के हदूद है लेकिन कोई यह नहीं बताया कि कितने किलोमीटर का है अहाता क्या है सिवाय मासूम के कोई नहीं बता सकता हमारे ओलमा ने भी नहीं बताया कि इतने दस किलोमीटर का हदूद है क्यों ये रिवायतों में है कि जब अगर खुदा ना खास्ता खुदाना खास्ता मेरे अमाल अच्छे ना हो और मुझ पर अजाब आना शुरू हो जाए लेकिन जब हदूद मासूम में इंसान पर जनाजा पहुंचता अजाब के फरिश्ते रुक जाते अरे यार क्या बोल रहा हूं मैं इमाम अली के हदूद में पहुंचे रुक गए बाउंड्री के ऊपर अब इंतजार करते कि वापस आए वापस भी आए तो ये भी इंतजार करते हैं हुक्म इमाम क्या है आ, अरे यार आ, 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 हो से ये इतने करीम इतने करीम है हमारे मासूमिन के जब जनाजा अंदर जाता तो एक लम्हे में सलाम पे अली पूरे उसके गुना माफ करके रहमत के फरिश्तों के साथ भेजता कोशिश करो और एक बात और बोलो अगर कोई नजफ अश्यब में दफन हो जैसे सब दफन हो रहे हदूद के गौर से सुनो दो है मखसूसी एक नजफ अश्यब की एक करबला मोल की नजफ अश्यप में कोई दफन हो हमारे पास दफन हो प्लीज जुमले गौर से सुनो हमारे पास दफन होना शर्त नहीं रहना शर्त है क्या बोल रहे क्या बोल रहे इसलिए कि कोई भी दफन हो सकता जिसको चाहे आप दफन कर दे हुदूद में रोक रोकने वाला है हुकूमत जिसको चाहे दफन कर दे कंडीशन है कि कं� रुक जाए मैयत रुक जाए वरना इसे पहली में मैंने खुद जिक्र किया था तो मुझे बताया गया पूछा गया था कि फिर जाति कैसा तो मलाइका है अल्लाह ने पूरी एक टीम बनाई है की उसके लिए क्या है वो है वो जितने चाहे मिलियंस की तादाद में मलाइका बना दे हर सेकंड में बनाए वो खादिर है तो मलाइका की मलाका नकाल की टीम है जो बॉडीज को ट्रांसफर करते मिसाल के तौर पर कोई आके नजफे शब में कोई गुनागार कोई जालिम दुश्मन अहलबा दफन हो जाए नजर है अरश के लिए यह है कि जब दफन हो जाए और रह जाए तो वहां पर सवालों नकीर नहीं होता समझ क्यों ये इतना जरूरी है कि तलखीन में आप हिला के बोलते हैं, सवालों मुनकिनकीर हक गए बॉडी को नीचे लिटा के कभी तलखीन में सुनो क्या कहते सवालों मुनकरो नकी पूरी जिंदगी तुम डिनाई करते थे झूठ लाते थे अब होने वाला है सवाल तुम ये तुमसेन के ज़ुमले तो नकी में क्यों नहीं होता आप खुश होंगे इसलिए नहीं होता ने इसकी तोजी ये की इसलिए नहीं होता कि वो बाबुल मदीनतुल तो इल्म का शहर है फरिश्तों की मजाल नहीं वह पूछे <laughs> अली के सामने पूछने की मजाल नहीं लेकिन कंडीशन क्या है रहना अगर रह गए तो आपकी तो हमारी तो चांदी सोना सब वही है अगर वहां रह जाए तो और करबला है की क्या मखसूसी है करबला की मखसूस है कि पहली रात का एक अजाब है मैं बड़ा रोक रहा मैं नहीं पढ़ रहा कोई ऐसी चीज पहली रात के अजाबों में से एक अजाब है फिशार खबर का उसके कई गुना बताए गए ये मेरे मेन टॉपिक्स हैं मैं नहीं पढ़ रहा कि कैसे होता है फिशार खबर पहली रात का जिससे पना मांगी गई दो दीवारों का मिलना आप उसको इनकार करें डिनाई करें कुछ भी करें वो अजाब तो है आप इसको माने या नहीं माने मेक एनी डिफरेंस कोई फर्क नहीं पड़ता आज मालूम नहीं होता कल मालूम होगा चार या पांच गुना बताए गए मैं आज नहीं बता रहा चार या पांच गुना बताए गए जो आज के जमाने के कॉमन गुना है हम उसको गुना ही नहीं समझते आज हमारे माशरे में हमारे समाज में हमारी सोसाइटी में इसको गुना ही नहीं समझते इतना कॉमन हो गया वो गुना ऐसे है कि जो पहली रात मैय लिटाई गई और कितने वाकोराज लहत बंद हुई सवाल और जवाब के बाद फिशार खबर का साब शुरू होता तो यह कहा गया कि करबला मोला में अगर कोई दफन हो जाए मेरे मौला हुसैन के रोजे में हदूद में दाखिल हो दफन हो जाए तो उसके ऊपर फिशार खबर नहीं होता क्यों नहीं होता इतने बड़े अजाब से हुसैन बचा लेते इसीलिए नहीं होता कि एक मसाह का यह जुमला है कि अल्लाह जमीन को हरकत नहीं करता जहां सारी पामाल लाशें हैं मेरे मौला हुसैन की मजलूमियत की वजह से तुम बच जाते लेकिन कंडीशन और रहना करबला में रह जाए दफन हो और बॉडी रह जाए मलाका नखा लेके निकले इसीलिए हमेशा दुआ कर अब जैसा फर्शापे बैठे हुए इससे बेहतर कोई जगह नहीं है जहां दुआ कबूल होती फोशा पे बैठ के दुआ करो आप मेरी मदद सुन रहे दिल में दुआ करो ये भी जरूरी नहीं है कि आप ज़बान से बोलो दिल में ख्वाश करो कि मुझे नजफ अशरफ में या करबला मौला में पहुंचा देना कोई जाना ही नहीं चाह रहा देखा ये करबला की मखसूस है वो नजर अश की मखसूसी और हर रजे के इमाम रजा गरीब का जब सोलह सफर को पढ़ूंगा तो वहाँ वहां का बताऊंगा क्या गरीबरबा के पास तो एक अजीब इमाम की वो बारगाह है अजीब बारगाह वहां पे करम अलग करम है हर इमाम का करम अलग ऐसा करम अगर अल्लाह का नाम है करीम है वो करीम है तो हमको कैसे मालूम अल्लाह कितना करीम है इनके करम को देखो अल्लाह के करम को पहचानो तो 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 नहीं अल्लाह अगर करीम है तो हमको कैसे मालूम? इनके कर्म को देखो कि ये अपने चाहने वालों पे कैसे कर्म कर तो बहरा दोस्तों लेफ्ट साइड वाली गुम्बद का मैंने जिक्र किया था एक पूरा कल के वाक का कंक्लूजन ये करो कि मैं भी दुआ करूं कि मौला गिव मी चांस ऑल्सो आपने हिली को चांस दिया ना उनको मौका दिया ना गिव चांस ऑल्सो मैं भी टू सर्व कम्युनिटी टू सर्व इस्लाम ये दुआ मुसलसल करो देखिए आप बोलेंगे मैं क्या करूंगा मेलबर्न में आप कुछ ही नहीं करना आप दुआ करो मंजिल तक इमाम पहुंचाता ट्राई तो करो के नहीं रहो कि मुझे क्या जरूरत है वॉट कैन आई डू वॉट कैन आई डू ये नहीं बोलना आज का शिया तो बोल ही नहीं सकता आज का युद्ध बोल ही नहीं सकता सबके पास स्मार्टफोन है सबके पास टेलीफोन है आजकल तो कहीं जाने की जरूरत भी नहीं आपको ये कोशिश करो कि जितना प्रोपोगेट कर सकते तालीमात मोहम्मद और आल मोहम्मद का टीचिंग्स ऑफ टीचिंग्स ऑफ आल मोहम्मद का प्रोपोगेशन ये सबसे बड़ी इबादत है आज के दौर पर बड़ा पीसफुल तरीके से अमन के तरीके से मौला के मासूमीन के तालीमात को दुनिया तक पहुंचा कुछ नहीं कर सकते माँ बाप बच्चों तक पहुंचाते इतना जरूर दोस्तों ये तुम्हारा जिम्मेदारी है ये हायर ओकल्टेशन की वन ऑफ में रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं कुछ नहीं कर रहा तो इट मीनस मैं इमाम के लिए कुछ नहीं कर रहा आप बोलते हैं ना ज्यादात आश्र में इन सिलमन लेमन सालमकुम सालो मकुम वर्ब लेकु इलाय ये जुबले मैं अहद कर रहा मौला हुसैन से कि मौला जिसके साथ आपने पीस किया उसके साथ मैं भी पीस करूंगा जिसके साथ आपने जेहाद किया उसके साथ मैं भी जेहाद करूंगा आज का जिहाद तलवार तीर का नहीं है आज का जिहाद गन का नहीं है आज का जिहाद तुम्हारे किरदार का जिहाद क्या बोल रहा तुम्हारी जबान का जेहाद इतने सॉफ्ट स्पोकन बन जाओ इतनी मीठी जबान रखो कि पता चले अली वालों की जबान ऐसी होती है

तुम उठो तो पता चले अली वाला ऐसा उठता है बैठे तो पता चले अली वाला ऐसा है ये सलमान और और मीसम और, और अम्मार ये सारे मौला के चाहने वाले क्या पुकारते थे कि मैं अली वाला क्या आवाजें देते थे मदीने में कि मैं मौला को सबसे ज्यादा अच्छा तो नहीं वो बात करते तो मालूम हल्ला था कि तालीमा अली है जो बात करे जनाब फिजा बाद में बात अभी मैं वापस जा रहा हूं नज़र जब मैं सिर्फ इतनी बा... बातें जो बता रहा मैं क्या करूं मेरी भी मजबूरी है जनाब फिजा करबला के बाद शहजादी की शहादत के बाद ट्वेंटी इयर्स जिंदा रही बीस साल लेकिन कभी भी फिजा ने कुरान से हट के बात नहीं की नहीं समझे जो सवाल करते थे मजीद क्या आज पड़ के उसका जवाब देते थे सिर्फ ये रहने का नतीजा अरे यार के घर में रहने का यह नतीजा था कि जैसे मासूम कुरान में बात कर सकता फिजा ने कहा मासूम तो बहुत बड़ी बात है मैं तो कनीज होकर बात करूंगी तो बस दोस्तों मैं वापस जा रहा हूं मौला के रोजे में ये अल्लाह हिली का था बस दुआ यह करना कि अल्लाह हमको भी हिली की तरह तोफी खता फरमाए कि मैं भी कुछ काम करूँ अपनी जिंदगी में और लेफ्ट साइड पे जो हम ना है मिनारा है ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये राइट है, है भारत ये आपके सामने नजफ है अशरफ है यह बहुत अच्छा क्या पंजे वालों ने ऐशफ़ को सबसे बुलंद ऊपर कर दिया जहाँ रहने की जगह है वो यही जगह है मिंबर के ऊपर रहने से बाबुल इल्म तो का एक साया भी रहता नहीं लेफ्ट साइड की जो मीनार देख रहे आप सिंगल मीनार उसके नीचे कौन है याद है कुछ मुकदस अर्दबेली। ये कितने साल पुराने चार सौ साल फोर हंड्रेड इनका एक्चुअल नाम अहमद अर्दबेली है इतना पायस थे इतने पायस थे कि नाम ही मुकदस पड़ गया मजाक नहीं है दोस्तों पूरी जिंदगी इनकी भी बीवी थे इनके भी बच्चे थे इनकी भी फैमिली थी लेकिन ये अपने दौर का ऐसा मुजद्दद है कि इमाम अली ने एक हजार साल वो जगह को रोका था मुकदस के लिए मर्जी इमाम ना हो तो कोई दफन भी ना हो जाए अब वो दौर गया जब तक इमाम की मर्जी नहीं है, सांस नहीं ले सके नजर है सब तो यहां पर मुकदस इनका कंट्रीब्यूशन कई है मैं एक या दो सिर्फ मोटिवेशन के लिए मैं ये वाकियात पढ़ा कि आपको पता होना चाहिए कि मौला के रोजे में मौला ने अपने गुलामों को क्या रिगार्ड किया क्या रिगार्ड किया जिन्होंने काम किया अली के लिए हमको भी चांस मिले पूरी जिंदगी मेलबोर्न में गुजार रहे तो तुम यहां बैठ के काम कर सकते ऐसा नहीं है तुम यहां रह के भी काम कर सकते अगर तुम काम करोगे मौत आई और सीधा फरिश्ते लेके मौला के पास चले गए तुमको वो जो लाइफ एटर्नल लाइफ एटर्नल लाइफ है लाइफ एटी नाइनटी ईयरस की है वो एटर्नल लाइफ हमेशा की जिंदगी है आप नहीं चाहते कि पूरी जिंदगी में तमन्ना में गुजारो मौला की अब मरने के बाद सारे जलवे अली के देखें। देखे अली अजायबात है खुदाबंदी का मजर है मैंने बहुत बड़ा जुमला बोला मौला में बहुत बड़ी फजीलत है अजायबात है खुदाबंदी का हर चीज मेरे मौला की तो वहां पे, वहां पे जाके जलवे देखो उनकी रहमतें देखो ये दुनिया है छे कुछ नहीं है यहाँ पे तो इन लोगों को जो मौला ने मौका दिया क्यों दिया कि इन्होंने काम किया इतना मौका दस हर चीज इनके हाथ में हर चीज इनके हाथ में लेकिन सो पाएस। इतने पाएस। इनकी जिंदगी का एक बहुत छोटा वाक पहला पहले एक छोटा वाक बताता इतने पायस थे एहतियात इतनी करते थे कि करबला मौला में ये थे किसी अपने दौर का यह मर्जा बहुत अजीम मर्जा करबला मौला में किसी काम से थे इनके पास सवारी नहीं थी उस जमाने की सवारी घोड़ा है या ऊंट है जो भी तो जैसा आज रेंटे कार होते थे उस वक्त रेंटे हॉर्स होता था दुकानें होती थी लोग जाके किराए से लेते थे गए एक शॉप पे करवाला मौला में जाके कहा मुझे सब जानते थे कि मुकद्दस है कहा मुझे घोड़ा सवारी चाहिए तो उसने पूछा शेख कहाँ जाना है तो कहा नजर शब जाना है मिसाल के तौर तो पर उसने कहा दस दिनार उस जमाने के इन्होंने दस जे पैसे बोलने से पहले देने से पहले उसने पूछा शेख ये बताइए आप घर जाएंगे सामान लेके जाएंगे या बिल्कुल जैसा है वैसी जाए उन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ लेना नहीं जैसा मैं खड़ा हुआ हूँ इस वक्त उसी तरह सवारी में बैठूंगा से चलें कोई सामान नहीं है मेरे पास उसने कहा दस दिन इन्होंने दस दिन दे दी अब ये चले नजफ़ अशरफ करवाला मौला से अपने नजफ़ अशरफ में रहते थे नजफ़ अशरफ से एक किलोमीटर दूर या दो किलोमीटर दो कई का रास्ते में गांव मिल रहे थे विलेजेस मिल रहे थे लोगों को पता चला शेख गुजरने वाले हैं सामने से तो उस टाइम पे आके खड़े हो गए लोगों से मुलाकातें की मोमिन से मुलाकात की सवारी से उतरे मुलाकात की तो एक मोमिन उसका एक भाई नजफ़ है अशरफ में था इनकी जिंदगी का बड़ा मशहूर वाक है है। उसने कहा शेख आप के रोजे में जा रहे हैं नजफ़ जा रहे वहां मेरा एक भाई है एक खत है मेरे पास क्या आप मेरे भाई को दे देंगे मोमिन की ख्वाहिश को पूरा करना यह भी मोमिन की अलामत है दोस्तों मैं कुछ बोल गया हम करते किसी की हम कतरा के चले जाते यार जितना एक्सपीरियंस मुझे किसको है भाई मुख्तलिफ लोगों से पूरी दुनिया में मिलता हूं हम किसकी करते जिससे मुझे इंटरेस्ट है अपने इंटरेस्ट को हटा के इबादत करो कहीं भी हर जगह अपना इंटरेस्ट मत लगाओ कि ये करने से मुझे क्या फायदा ये करने से मुझे क्या मिलेगा ये जहन में कभी मत रखो ये रखो कि इसके अमल करने से मेरे आमा लामा सही होगा मेरा मौला राजी होगा कि एक मोमिन की मदद कर रहा एंड जस्ट से थैंक यू टू योर अल्लाह गिवन यू चांस टू सर्व मोमिन मौका मिल रहा तो शुक्र अदा करो तो भारत एक शख्स ने आके कहा मौलम शेख मेरा खत प्लीज मेरे भाई को दे दे आके ले लेगा इन्होंने कहा कोई बात नहीं ले लिया सब लोग चले गई, चलने गए चलने लग गया जब नजेफ अशरफ पहुंचे गौर से सुनो उस बाउंड्री के ऊपर वहां के लोग आए थे नजफ अशरफ से इनको रिसीव करने के लिए शेख आ रहे देखा कि मुकदस पैदल आ रहे घोड़ा साथ है उसको हाथ में नीचे और उसका लजाम पकड़ के एंटर हुए लोग ये समझे कि ये बीमार है जानवर इसलिए ये सवारी नहीं करे सबसे मुलाकात की एक शख्स ने पूछा शेख क्या ये जानवर बीमार था उन्होंने कहा नहीं बीमार तो नहीं था अच्छा छूट भी नहीं बोल सकते मोमी नहीं झूठ नहीं बोल सकते हम तो डिप्लोमेसी के साथ काम करते हैं ना कि ये भी राजी हो जाए ये भी राजी हो जाए क्यों किसी को नाराज करूं मेलबर्न में ये चेक करो ये चेक करो कि मैं इसको नाराज करूं उसको नाराज नहीं नाराज अल्लाह को नहीं करना मासूम को नहीं करना पूछा गया जानवर बीमार है आप क्यों नहीं बैठे वो थकल्लुब कर रहे थे बोलने के इतना पायस इंसान अगर मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे यार ऐसा इतनी एहतियात यूं ही मुकदस नहीं बने जब लोगों ने इसरार किया कि आगा व्हाट है क्यों नहीं बैठे सवारी पे अजीब लग रहा कि आप पैदल आ रहे तो कहा कि जब मैंने ये जानवर मेरा नहीं है जानवर मैंने लिया था इसके मालिक से और मालिक ने पूछा था जब आप जा रहे तो कोई सवा, कोई सामान कोई वजन है तो मैंने कहा था कुछ नहीं है अब मैं खत का वजन लेके कैसे बैठ जाता यह पास्नेस थी इनकी इतनी एहतियात थी इनकी अब मैं आपको बोलूं इसी नजरफ अशरफ का इनका वाक दो वाख्याद है। मैं शायद एक पढ़ सकूं कि जमा... जमाने के इमाम से मुलाकात करने वालों में मुकदस का नाम भी है आप क्या सुने यार हम कभी तस्वर भी नहीं कर सकते ना हम कभी ख्वाहिश करते कि मेरे मौला से मेरी मुलाकात हो जाए कितनी ख्वाहिश है हमारी अब अरबईन है हुसैन अशन अच्छा है, है क्या ख्वाहिश कर रहे है? कि जो वारिस आजा है जो वारिस करबला है जो वारिस है हुसैन उससे मैं मुलाकात करूंगा मेरी टॉपिक नहीं है वरना मैं आपको बताता कि इमाम का आप अरबईन का पुरसा किसको देना है आपको हुसैन के इस बेटे को देना है इन शाह कल या परसों के पास भी हो पे। लेकिन इंडिया, में बहुत अवेलेबल है यह अरीजा है, पेज नंबर फोर जीरो वन का। लेकिन मैं उसकी कॉपी आपको दे दूंगा यहाँ की मैनेज बन बताऊंगा पहले कि वो अरीजा लिखना कैसे छह दिन में छे घंटे में घंटे में जवाब आने वाला है से। लेकिन लिखने वाले का कंडीशन भी है कि कैसे लिख रहा हर दुआ के लिए वो अरीजा है अरीजा लिखने से तुमको कितना सेटिस्फैक्शन खुदा ना खासा किसी का बिजनेस डाउन है जॉब है इवन हस्बैंड वाइफ के प्रॉब्लम्स है मैरिड लाइफ औलाद नहीं घर में सुकून नहीं ये तो बड़े कॉमन प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वारिज़ा। जमाने के इमाम का रीजा है किसी और का रीजा नहीं इन कल या परसों दे दूंगा बहरल देने से पहले बता दूंगा कि वह रीजा क्या है तो ये मुकदस उस हस्ती का नाम है जिसने जमाने के इमाम से ऐसे मुलाकात की थी मस्जिद खुफा में नजर अशर में रहते थे अब्दुल्ला इबन अली इनके शागिद इनके स्टूडेंट वो कहते हैं कि अच्छा उस जमाने में जो मौला का रोज़ा था इतना शानदार नहीं था और रात में ईशा के बाद बंद हो जाता था लोग सहन में इबादत करते थे सहन में जो आज भी सहन माशा इतना बड़ा सहन है मौला नजरबंद से बचाए इन दुश्मनों के शर से बचाए मौसमी के रोज़ों को और अल्लाह जन्तुल्बी की तामीर करा के रोशन कर दो तामीर है जन्नतलबी के लिए बाज़ व अजल फर्क ये अब्दुल्ला इबन अली कहते कि मैं रात में बैठ के इबादत कर रहा था कई लोग करते थे सहन में मैंने देखा कि एक शख्स एंटर हुआ हरम में और से सुनना एंटर हुआ और वो सीधा जरिये मुबारक की तरफ जाने लगा जबकि वहां का दरवाजा बंद था तो मैं ये समझा कि ये नए आदमी हैं इनको पता नहीं के मौला की जरिए बंद है अगर इबादत करना है तो यहाँ की इबादत करो कहता है कि जैसी मैं उठ के उसको बताने छोटा सा रोजा है मौला का चार सौ साल पुरानी बात कर रहा मैं उठ के जाना चाहता था उनको बताने के लिए उसने देखा कि वो शख्स जैसी दरवाजे के पास पहुंचा मैंने पहचान लिया कि ये तो मेरे उस्ताद अहमद अर्दवेली पहुंचा दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और ये एंटर हो गया जिसके लिए दरवाजा खोले उसका नाम मुकदस है मौला का इतना खरीब गुलाम था एंटर हुए लेकिन छोटा थोड़ा सा दरवाजा खुला रहा ये बाहर जाके दरवाजे के बाजू ठहर गया अब्दुल्ला इबन अली कहते हैं कि अंदर से मेरे उस्ताद मुकदस की आवाज आ रही बड़ा मशहूर वाक मुलाकात इमाम में भी मिल जाएगा आपको कहते हैं कि मैं बैठ खड़ा हुआ था मेरे कानों में मुकदस की आवाज आ रही थी मेरे उस्ताद की और उनके साथ किसी और की आवाज भी आ रही थी मैं वो आवाज को तो पहचान नहीं सका मेरे उस्ताद की आवाज को मैं पहचान रहा था कि ये तो मेरे उस्ताद अहमद अहमदी की आवाज है का कुछ गुजरे बस से सुनो मुखदस बाहर आए मैं पहलू में खड़ा हुआ बाहर आन मौला की जरिए मुबारक से बाहर आए लेकिन पसीने में नहाए हुए चेहरे परेशानी एक वहशत एक तकलीफ और पसीना निकल रहा मैं पहलू में खड़ा हुआ हूं मुझे नहीं देखते सीधा निकले और कुफे की तरफ जाने लगे उस जमाने में नजफ अश और कुफे के बीच में जंगल था आज माशाल्लाह पूरे रास्ते बने हुए अल्लाह हमेशा इसी रखे तो मैं पीछे पीछे चल रहा था वो पूरे कुफे के रास्ते को क्रॉस करके मस्जिद कुफा पहुंच गए उस जमाने में मस्जिद कुफा इतनी शानदार नहीं थी जैसे आज बहुत छोटी सी मस्जिद थी इसकी भी बड़ी बरकतें इंशाल्लाह में जब नजब से बाहर निकलूंगा तो ये म, ये मस्जिद और मस्जिद सैला के बारे में बताऊंगा मस्जिद हन्नाना के बारे में बताऊंगा कि ये जब जाटों पे जाना तो जाके यहाँ पे अमाल क्या करना तोबारा तो कहते हैं, मैं भी मस्जिद कुफा में एंटर हो गया ये सीधा मुकदस मस्जिद में एंटर हो गया उस जगह पे गए जहां उन्नीस रमजान को मेरे मौलाखों जरूरत लगी थी वो मेहराब के पास गए और जाके दो जानू बैठ गए जैसे कोई तशहद में बैठता है बैठ गए और सर को झुका के बैठे मैं दूर खड़े रह के देख रहा कहते हैं कि कुछ देर तक बैठे रहे सर को झुकाए हुए फिर सर को उठाया अपने सर को हिलाया फिर उठे अब जो उठ के फिर नजरफ ऐशरफ की तरफ जाने लगे तो इनके चेहरे पे अभी एक इतमान था एक सुकून था पीस था अब वो परेशानी के आसार चेहरे से नजर नहीं आ रहे थे ना पसीना नजर आ रहा था कुछ समझ में नहीं आया माजरा क्या है वो आधी रात हो गई वो जा रहे थे नजफ की की तरफ मैं पीछे पीछे चल रहा मेरे पैरों की आहट पहले भी आ रही थी लेकिन अब जब पैरों की आहट आई रुके रुक के के कौन है तो इसे फौरन आगे बढ़ के कहा अंधेरे का जमाना लाइट का जमाना नहीं था वो इसे फौरन आगे बढ़ के कहा शेख मैं आपका उस शागिद आपका स्टूडेंट अब्दुल्ला इबने तो पूछा इतनी रात को तू यहाँ क्या कर रहा था क्या कर रहा है उसने हाथों को जोड़ दिया का शेख, मैं उस वक्त से आपके साथ हूं कि जब आप मौला के हरम में आए आपके लिए मौला ने दरवाजा खोला आप अंदर गए आपने कुछ गुफ्तगू की फिर किसी और की आवाज भी आ रही थी मैं सब सुन रहा था मैं नहीं पहचान सका फिर आप वहां से निकले बड़े परेशान आए मस्जिद में आके आपने किसी से मुलाकात की मुझे कुछ नजर नहीं आया आप सर झुका के बैठे हुए थे ये पूरा जो माजरा हुआ ये क्या है शेख ने कहा मेरी जिंदगी में नहीं बताना अब कहते हैं कि जब भी मुझे मैं किताब लिख रहा था जब भी कोई मुझे इल्मी प्रॉब्लम होता है मसलों में मैं मौला के पास आता था और आके मौला से पूछता था और मौला मुझे जवाब दे देते आप ताजुब मत करो इसमें बिल्कुल ताजुब मत करो कई के पास सैयद मुर्तुजा का वाक आपके सामने सैयद मुर्तुजा इतनी बड़ी हस्ती जिसको इमाम अली ने अलमुल हुदा कहा सैयद रजी के बड़े भाई सैयद रजी जिन्होंने बलागा को कंपाइल किया उनके बड़े भाई और उनका और शेख मुफीद का वो मुकालमा वो नजासत के लिए और मौला की जरिए के उस वक्त भी चार सौ साल पुरानी बात कर रहा सैयद रजी का जमाना मुखदस तो अब के एक हज़ार साल बाद के उन्होंने लिखा चिट मौला की खबर मुबारक पर रखा और अली का जवाब आया अगर तुम उस काबिल बनोगे तो लाजिम है जवाब आना सलाम वाजिब नहीं है जवाब सलाम वाजिब है पे जाके तुम कहते हो सलाम या अमीर तो मेरा मौला जवाब देता है लेकिन कान इस काबिल नहीं है कि अली की आवाज सुन सके इतनी किबतें सुनी हुई हैं इतनी म्यूजिक सुनी हुई है सब खाम अगर बैक बाइटिंग जैसी बीमारी से अपने कानों को बचा लो अपनी जबान को बचा लो मैं बोल रहा नहीं मैं एक दो जुमले बोल रहा सिर्फ तो तुम्हारे सामने से हिजाबा थट जाए हिजाबा थट जाए मैं औरतों को भी बोल रहा ये दो बीमारी ऐसी है बैक बाइटिंग की कि तुम्हारे अमाल को जीरो कर देंगे जीरो कर देंगे अगर मैं किसी और के ताल्लुक से बात कर प्रॉब्लम ये कि करबला जाते हम पे जाते, की पे जाते, क्या बात करते। मैं हमेशा बोलता हूं टेलीफोन को पुट ऑफ करके जाना वॉक पे वो एक पैराडाइज से दूसरी पेराडाइज की वॉक है आप नहीं समझे तो कौन समझेगा एक जन्नत से दूसरी जन्नत जा रहे आप नजर से करबला तुम्हारा एक, एक ख़दम तुम्हारी जिंदगी को बढ़ा देता गुनाहों को माफ कर देता जन्नत के करीब जा रहे एक जन्नत से दूसरी जन्नत में जा रहे ये मामूली वॉक नहीं है ये फन नहीं है ये प्रैक्टिस नहीं है तुम्हारी जिंदगी में चेंज का नाम वॉक कर ब बहरल उस पर मैं अभी नहीं बोलूंगा शब अरविन की मदिल से बोलूंगा तो बहरल तो मुकदस मेरी जिंदगी में नहीं बोला कहा जब भी मुझे कोई मसला होता था मैं आके मौला से पूछता था मौला का जवाब आ जाता मैं अपने मसले को हल कर इलमी मसला इलमी मसला अली के अलावा और कौन बताए इधर लगी थे बाबुल मदी मदीन के दरवाजे पर खड़े हुए गए पूछ लिया हम कहीं जाएंगे तो मौला वाली निकल यहाँ से अल्लाह अल्लाह मुझे माफ करे। अल्ला माफ करे, करे, हमारे गुनाहों को हमेशा परेशानियों तो सिर्फ माफी मांग मैं एक जुमला बोलू अस्तकफार करने से तुम्हारा घरूट टूटता अल्लाह बहुत देर से समझ रहे यार गुरूर को तोड़ना है तो माफी मांगो मैं ये नहीं बोल रहा बंदों से उससे मौला से माफी मांगो इट्स नॉट ईजी टू से कभी नहीं बोलेगा सॉरी हमारा ईगो हमारा एक गुरूर है। लेकिन तुम्हारा गुरूर को तोड़ना है तो तुम सिर्फ सॉरी बोलते जाओ एक जुमला बोल के आगे बढ़ता असर की नमाज के बाद असर की नमाज के बाद चार अगर पढ़ते हो ना असर की पढ़ने के बाद रबीवा तुम या इंग्लिश में बोला आई एम सॉरी 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 मौला कहते हैं कि सात सौ गुना सेवन हंड्रेड गुना अल्लाह उसी वक्त माफ कर देता है वो तबाब रहीम है वो तबाब रहीम है अगर तुम्हारे दिन भर के सात सौ गुना माफ हो जाए आप बोलेंगे मैं इतना करता ही नहीं हूं कोई बोलता है? मेरे जहन में यह है अगर सात सौ सा गुना माफ हो जाए तो इसका मतलब है मैं एक महीने की फुर्सत नहीं मेरे जहनों में यह है कि मैं और सात मुझे दूसरों के गुना तो याद आ रहे अरे तो तो दे, क्या बोला मैं मेलबर्न में दूसरों को मत देखो अपने आप को देखो चेक यूर सेल्फना करता आप बोलेंगे मैं तो करता ही नहीं हूं इसलिए शैतान ने तुम्हारे जहन पे पर्दा डाल दिया कि सबसे ज्यादा पायस मेलबोर्न के तुम ही तो हो यार मैं क्या बोल रहा आप लोग आप लोग बुरा मत मानो मैं मेलबॉर्न मेलबोर्न बोला जा रहा हूं क्यों बोल रहा हूं इसलिए यहां पढ़ो मेरी आदत है जिस शहर में पढ़ता हूं वहां का नाम लेता हूं। मैं आप लोगों के लिए नहीं पढ़ रहा यहां तो सब मोमिन है यहां तो सब मोमिन चेहरों से नजर आ रहा पूरे दाढ़ी वाले नहीं बोलता है। ला देना देना। अली वालों की पहचान चेहरे पे दाढ़ी है याद रखो कम कम ये अश अरब अभी तो मत शेफ करो यार मैं कहता हूँ कि जब लोग बोलते हैं मैं तुम मौला को बहुत चाहता हूँ मैंने कहा यार तुम मौला को इतना चाहते हो अली की मोहब्बत में चार बाल नहीं छोड़ सकते सब खामोश हो गए दाढ़ी वाले क्यों खामोश हुए आहिस्ता आहिस्ता बोलूंगा देखिए मैं बहुत बदनाम जाकिर हूं बहुत बोलता मुझे माफ कर दे मेरा मसला मकसद सिर्फ एक रहता अगर मेरे पूरे अरविन में फोर्टीन में 1446 हिजरा के इस अरवीन मेलबर्न में कोई एक भी एक ने भी अमल कर लिया तो मेरा अशा पूरा हो गया आगा। आगा। मैं कामयाब हो गया आगा। 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 भी अमल को एक लड़की ने चादर सर परी मेरा अर्शा जो मकसद है एक, 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 एक को इसलिए हम तो गुनागार है शैतान लगावा पीछे अभी शैतान रिटायर्ड नहीं हुआ मैं क्या बोल रहा आपसे आपकी जबान में बात कर रहा जिस दिन शैतान रिटायरमेंट अनाउंस कर देना फिर तुम आराम से बैठ जाओ वो कभी नहीं करेगा कभी नहीं करेगा वो लगा हुआ है पीछे कि किसी तरह आप क्या समझे पंचन सेंटर में आप आ रहे वो खुश हो रहा बाहर खड़ा हुआ था क्या बोल रहा यार मैं? डरो मत अब जाते वक्त शैतान कोई मंदिरों में नहीं जाता सैनवास में चर्चिस में मस्जिदों में नहीं जाता उसको मालूम है वो तो हमारे साथ चल रहे वो वेस्ट नहीं करता अपने टाइम को, वो जाता जा जा अली हो, हुसैन हो आप पूछेंगे क्यों शैतान ने खुद कहा जिसको कुरान ने कोट किया जब अल्लाह ने कहा निकल जाए यहां से तो उसने कहा कि मैं सिराते मुस्तकीम पे बैठूंगा क्या क्या कहा सिरात मुस्तकीम में बैठूंगा मैं नहीं बोल रहा शैतान बोल रहा खुरान कौन कर रहा सिरात मुस्तक में जब उसने गाँव में बैठ जाऊंगा तेरे बंदों को गुमराह करूंगा अरे को करूंगा लेकिन अल्लाह ने इतनी मोहब्बत से जवाब दिया कहा ठीक है बैठ जा लेकिन जो मेरा होगा हाय 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 उसकी मोहब्बत देखो हमारे लिए कहा जो मेरा होगा वो तेरी बात में नहीं आएगा सरकार से जब पूछा गया था अल्लाह के रसूल से मशहूर रिवायत है एक मिनट मस्जिद भरी हुई पूछा गया कि यारसोल्ला सूर्म में भी सिलाते मुस्तमें कि अल्लाह बार बार बोल रहा पे आ जाओ सरात मुस्तकम पे ये है क्या सराते मुस्तक अल्लाह के रसूल जो फौरन जवाब देते थे अब जवाब नहीं दे रहे दरवाजे की तरफ देख रहे मस्जिद के दरवाजे की तरफ देख रहे ऐसे महसूस हो रहा किसी का इंतजार कर रहे कुछ देर के बाद मेरा मौला अंतर हुआ तो मुस्तीम मेरे मौला का रास्ता है। तो वही तो कह रहा मैं मौला का रास्ता कहां मिलता में मिलता रहे, रहे, में सुन तो एक एक कहा तो सुनते है। लेकिन जब आओ इमाम बारह को तो वजू से आओ ये सोच के आओ कि हो सकता मेरे मौला से मेरी मुलाकात हो जाए ये हुसैन का घर है ये मौला का घर है बहरहाल तो अब्दुल्ला अली ने कहा कि हुआ तो इन्होंने कहा मेरा एक मसला था मैं उससे मौल, मौला से मालूम करना गया लेकिन आज जब मैं गया और मौला से पूछा मौला मेरा ये ये इसका जवाब क्या तो आवाज आई अहमद अर्दबेली तू दौर के इमाम से मेरे बेटे से को नहीं मानता कहा मैं रोने लगा कहा, मौला कैसा नहीं मानूंगा मेरा आखा है और सरदार है मेरा इमाम है तो इमाम ने कहा कि फिर तू तो अपने मसलों को मेरे बेटे के पास क्यों नहीं ले जाता कोई बाप राजी नहीं होगा अगर बच्चों को छोड़ देंगे तो तो उस वक्त एम मुकद्दस ने जवाब दिया कि मौला मैं कहां ढूंढूं वो तो गैबत में और हमको ये मालूम आप यहां है तुम तो आपके पास आते करबला जाते मोला हुसैन से मिल सारे मासूमीन के बाद जाते हैं इसलिए मालूम है कि मौला यहाँ लेकिन आपके बेटे को फर्जंद मजलूम बीबी जहरा को मैं कहाँ ढूंढू इमाम ने कहा इस वक्त मेरा बेटा मस्जिद कुफा में है जा तू यही सवाल मेरे बेटे से करना क्या आप गैबत में तो मैं कैसे पुकारू कहाँ ढूंढू आप कहता जब मौला ने गुस्से से कहा तो मैं तो काम गया कहीं मौला मुझसे नाराज ना हो जाए कहते मैं गया मैं इसकी शॉर्ट कर रहा मेरा वक्त हो गया जैसी मस्जिद खूफा गया तो मैंने देखा उस मुसल्ले पे बैठ के मेरा सैयद और सरदार मेरा मोहसिन मेरी बीवी का बच्चा बैठ के नमाज पढ़ मैं गया सर को झुका के बैठ गया अब मेरी तरफ देखो लुक एट मी बैठ गया मैंने मौला को सलाम किया मोरा मुख पलटे मुझे जवाब दिया चेहरे पे मुस्कुराहट आई लबों पे मुस्कुराहट आई लेकिन कौन सी मुस्कुराहट शिकवे वाली मेरे दादा ने भेजा तो आया है ना खुद से नहीं आया दोस्तों आप इंसाफ से बोलो इंसाफ से बोलो खुद सोचो घर जाके पांच मिनट सोचो मैं क्या बोल रहा हूं आज सुबह से पुकारा इमाम को जुमे का दिन आता है मैं इमाम का इंतजार करता हूं मैं इमाम को आवाज देता हूं मैं अपनी दुआ में इमाम का नाम लेता हूं सुबह से मैंने इमाम की सलामती की दुआ की कि अल्लाह तू मेरे मौला को सलामत रख याद रखो इमाम की सलामती के सदक में मेरी सांस चल रही सेहत है तो उनके क्रम से तो हम पुकारते सलबार में अज्जल फरज नहीं बोलते इससे ज्यादा डिजास्टर और क्या होगा सब सबको मालूम है कि अज्जुल फराजो बोल रहे मैं एक लम्हे में अगर आज तीन चार मिनट ज्यादा हो जाए तो माफ कर देना मुझे सब खाम मुझे नहीं पढ़ू अज्जुल फराजो का फायदा क्या बता दू फरजोम क्या है? दुआ है ये जब तक इमाम का जहूर नहीं होता अब अज्जुल फरजोम बोलेंगे कल इमाम का और आज अगर इमाम का हो जाए तो ये दुआ बंद हो जाएगी जहूर के बाद इसका मतलब क्या है कि अल्लाह तो मेरे मौला के जहूर में ताजील कर जल्दी कर तो जब तक जहूर नहीं होता यह दुआ पढ़ेंगे जैसा दुआ अहद है उस वक्त तो पढ़ी जाएगी जब तक मौला का जहूर नहीं होता

मौला अल्लाह मौला के, अल्ला के जहर में ताजील कर तरीका क्या है मेरी तरफ देखो तरीका क्या है जब आप किसी को दुआ देते वो भी पलट के देता ना नहीं समझ रहा मैं सेंटर में एंटर हुआ एक मोमिन के चेहरे तो देख रहा एक मोमिन को सलाम किया उन्होंने कहा मौला आपको सलामत रखे मैंने भी पलट के कहा अल्लाह आपको भी सलामत रखे यह अखराक है आपको कोई दुआ दे तो आप भी देते दोस्तों मेरे अमाल ऐसे नहीं कि मेरा मौला मुझे देख मैं मेलबर्न में, में सलवाद का सवाब तो मिल गया वह अज्जुलरज हो मौला के हक में दुआ दी मौला तो साहेब अखलाक है मरकज है अखलाक के मौला ने पलट के मुझे देखा कि मेलबर्न का कौन सा ऐसा शी है जो मेरे जहूर की दुआ कर रहा अल्लाह क्या सुन रहे क्या सुन रहे तो ला, ला, ला। मौला ने वहां से देख क्या देखा आपको याद रखो इतने बड़े मजमे से पंजेगंज सेंटर में बोल रहा मेलबोर्न में कि इमाम की निगाह रहमत की निगाह होती ये रहमतमीन का बेटा है अपने दौर का मोहम्मद है अगर इमाम तुमको एक ग्लांस भी देख ले तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो इमाम रोज सलब कर रहे मौला को अठारह मरतबा पढ़ो और हदिया करो सलामती के लिए अट्ठारह मरतबा इमाम तुमको देख के बोलेगा कि यह मेरा चाहने वाले ने मुझे मेरे लिए दुआ की एक रिश्ता बन जाएगा आपका तो बार तो इसने अहमद ने जब कहा मौला ने पलट के देखा शिकवे से देखा इनका पहला जुमला खत्म हो गया वाक पहला जुमला यह था कि मौला मैं आपको कहां तलाश करूं जैसा हम बोलते आज हम कहां ढूंढे मौला को मैं इंशाल्लाह मौका मिला तो आपको बताऊंगा कि कहां कहां मौला मिलते हैं आज नहीं कौन सी कौन सी जगह पे इमाम से मुलाकात होती हो सकती पॉसिबिलिटी है अरबइन के जमाने में कहां हो सकती है तो इसने कहा अहमद अदबेली ने कहा मोला मैं कहां ढूंढू आप तो गैबत में फिर यही कहा बोला हम कहा तलाश करें आपको आप तो गैबत में बस दो दफा गैबत गैबत कहा इमाम ने तड़प के कहा कि अहमद अदबेली कब कोई शिया मुझे पुकारे और मैं उसकी मदद न की मेरी गैबत मेरे शियों के लिए कहाँ है जब वो आवाज देते हैं, मैं उनकी मदद करता हूं हमको अंदाजा नहीं होता कि हम पुकार रहे हैं मौला को अल्लाह को पुकारो मौला को पुकार रहे ग़ैब से मदद आती है वो इमाम ही की मदद है जो हमारे पास आती है। ये हमारा वारिस है हमारा सरपरस है ये रसूल का वारिस है बस दोस्तों इस वारिस को बीबी जहरा के इस बेटे को चेहलुम का पुरसा दो मेरा वक्त हो गया तीन चार मिनट ज्यादा हो गए मुझे माफ कर दो लेकिन इतनी देर फरश पे तुम बैठे हुए हो बीबी की निगाह पड़ रही होगी बीबी तुमको दुआएं दे रही होंगी ऐसा गरीब इमाम का चेहलुम आ गया गरीबों का गरीब मजलूमों का मजलूम इमाम कि एक दोपहर में ऐसा फातिमा का घर उजड़ा कि अब खयामत तक ये घर कभी आबाद नहीं होगा कभी घर यह आबाद नहीं होगा जालिमों ने सिर्फ हुसैन को शहीद नहीं किया हुसैन के मासूम बच्चों को भी जिबा कर दिया दोस्तों चौदह सफर आ गई हिंदुस्तान के बाद शहरों में चौदह सफर को हुसैन के उस बेटे का जिक्र होता कि जिसकी आवाज पे हुसैन ज़यीफ हो गए थे आप समझ गए मेरा इशारा किधर जिसकी आवाज पे हुसैन ज़यीफ हो गए आप समझे वो किसकी आवाज थी वो लैला का लाल वो हुसैन का जवान आहिस्ता नहीं रोना आहिस्ता नहीं रोना वो जवान बेटा बूढ़ा बाप जनाब लैला ये कहती हैं कि मैं खेमे के अंदर से मौला हुसैन के चेहरे को देख रही थी हुसैन मैदान में देख रहे थे मैंने देखा कि हुसैन के चेहरे का रंग सुर्ख हुआ इतना सुर्ख हुआ कि सुर्खी नुमाया हो गई तो मैंने हाथों को जोड़ के कहा मौला मेरे बच्चे पे क्या गुजरी तो शख्स हुसैन ने पलट कर माँ से कहा लैला शुक्र करो तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो गई अभी अभी अली अकबर की आवाज आई अब जो हुसैन मैदान में चले तो जस करके घोड़े पे बैठे और फौजों के दरमियान पूछते थे बताओ मेरा लाल का है आपको भी बेटे हैं, आपको भी बेटियां हैं, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे अजीजों ठोकरें खाता हुआ फातिमा का लाल अली अकबर तक पहुंचा जब पहुंचे तो खुदा किसी बाप को ये बेटे का मंजर ना दिखाए हुसैन ने वो मंजर देखा कि शहजादा एरिया लगा रहे थे अब हुसैन घोड़े से उतरे नहीं अपने आप को गिरा दिया जमीन पर रुखसारे पे रुखसारा रख के कहा वो लदी हुसैन आया बेटे का जवाब नहीं मिला मौला हुसैन ने शाने को हिला के कहा मेरे अली अकबर बाबा आया बेटा जवाब दे दो फिर जवाब नहीं मिला तो अपने रुखसारे को अली अकबर के रुखसारे पे रखा कहा मेरे लाल जवाब दो अब हुसैन की गुरबत मेराज पे चली गई अली अकबर के पहलू में लेट गए लेट के अल्लाह को गवाह किया के परवर दिगार तू गवाह रहना मेरा बाजू बराबर का लाल है मौला आबाद रखे आबाद रखे इसी तरह पुरसा दो कि आज लैला को सुकून मिले कि अली अकबर का चेहलुम हुआ हुसैन उठे शहजादे के सर को अपने जानू पे रखा मौला ने देखा कि शहजादे ने दोनों हाथ अपने सीने पे रखे इसलिए कि अली अकबर जानते हैं मेरा बाबा अकेला है मेरे सीने का जख्म नहीं देख सकता हटाना चाहा हुसैन ने अली अकबर ने फिर रख लिया फिर हटाने की कोशिश की फिर रख लिया तीसरी मरतबा हुसैन ने दे के हटाया अब जो हटाया तो वो मंजर देखा वो मंजर देखा कि नशे की अनी है अजीजो हुसैन ने आस्तीन को उल्टी नजफ़ का रुख किया या कह के बच्ची मौला आबाद रखे आबाद रखे तुमको मौला सलामत रखे सेंटर पूरी दुनिया में को, सलामत इसी तरह पुरसा दो इसी तरह पुरसा दो अब तक आपने हुबर को पाला जब ग्यारह मुहर्रम को यह खाफिला जा रहा था और मख्तर में सैतानियों को लेकर पहुंचे लैला ने जलती हुई रेत पे अली अकबर के लाशे को देखा तो मां ने तड़प के कहा उनकी बुलंदी से कि बेटा अली अकबर आज के बाद तुम्हारी मां कभी साय में नहीं बैठेगी इसी तरह इसी तरह बुरसा दो बेटा आज के बाद मैं कभी साय में नहीं बैठूंगी तुम्हारा लाशा जलती हुई रेत पर बस मैं दो मिनट में मजलिस खत्म कर रहा सिर्फ दो मिनट में जब ये काफिला जा रहा था तो एक ऐसी बस्ती से गुजरा कि जहां गैर मजहब की कुछ औरतें खड़ी हुई थी उन औरतों ने इस काफिले को देखा तड़प के रोना उन औरतों ने इस काफिले को देखा कि ऊन पे बीबिया नैजों पे सर एक बीमार जब उन औरतों की निगाह नैजों पे पहुंची सरों पर पहुंची तो मौला हुसैन के सर मुबारक को देखा खासिमो मोहम्मद के सर को असगर के सर मैंने कितनी आसानी से एक एक नाम लिया और आपने सुन लिया आखिर में औरतों की निगाह अली अकबर के सर पे पड़ी बस दोस्तों खत्म कर दिए एक मिनट के अंदर खत्म कर रहा फुरसा ऐसा दो कि आज लैला तुमको दुआ दे अली अकबर के सर पे पड़ी तो एक औरत जो खड़ी हुई थी

ये आवाज लैला के कानों में आई लैला ने कहा तू बदुआ क्यों करी कहा मैं बदुआ नहीं करी मैं ये कह रही जब हम नहीं देख सकते तो माँ कैसे देखा उस वक्त लैला ने कहा मेरा अठारह बरस का लाल था शादी के अरमान थे मेरे अली अकबर का लाशा परवरदिगार मेरे शहजादे का वास्तव मेरी माँ बीबी लैला का वास्ता इन आवाज़ों पर अपनी रहमत को नाजिल फरमा के आमीन बोलो खास दुआ का वक्त परवरदिगार हमारी यह मजलिस बीबी जहरा की बारगाह में कबूल हो जाए यह मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए जिन्होंने भी स्पॉन्सर किया उनकी तौफीकात में इजाफा फरमा हर लमा मेरे मौला की मारफत में इजाफ़ा फरमा परवरदिगार जो जो अरविन हुसैन के लिए गए उनकी को कोबूल फरमा उन सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा हम सबको आइंदा साल मौलाबीन की की बोलो पर जनाब हमजा और एल हम की खबरों पर साया करके रोशन कर दे सीरिया में सैदानियों के रजों की हिफाजत फरमा पवदगार हमारे गुनाह कबीरा सवीरा को माफ कर दे हमको तोफी कदा फरमा के हम तेरे दीन की तेरे बंदों की खिदमत कर सकें हमें जो परेशान हाल है उनके परेशानियों को दूर कर दे बेख बीमार है करबला बीमार मदीना जितने बीमार हैं उनको सेहत का मिला था फरमा पर किसी का मोहताज मत बना सिवाय तेरे और मोहम्मद और आल मोहम्मद के जिसको रिस्क का प्रॉब्लम है मौला हुसैन के बच्चों की भूख और प्यास का वास्ता उनके रिस्क के दरवाजे खोल दे फ़र्जंद मज़लूम बीबी जहरा मेरे इमाम